दगाबाज स्त्री की ये तीन पहचानें कर लो, कभी जीवन में धोखा नहीं खाओगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ और इस प्रसंग का विषय है जो स्त्री चरित्रहीन होती है या फिर अपने पति के लिए धोखा दे रही होती है। तो दोस्तों, ऐसी स्त्रियों में ये तीन लक्षण अवश्य पाए जाते हैं और आप उन तीन लक्षणों की पहचान कर लो, आपके संग में कभी धोखा नहीं होगा। वैसे तो दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, जो भी एक दूसरे के लिए धोखा दे रहे होते हैं वो चरित्रहीन माने जाते हैं और वो एक दूसरे के सामने ये तीन नाटक तो अवश्य ही करते हैं। अपने इस सच को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। वे अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और पति हो या पत्नी, एक दूसरे को धोखा देने पर तुले रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ तो पत्नियां ऐसी होती हैं कि चाहे उनका पति कितना ही सुंदर, धनवान या रूपवान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वे दूसरे लोगों को पसंद करती हैं, अपने पति को इग्नोर कर देती हैं। और ऐसी स्त्रियां दूसरे पुरुषों में पूरा सुख ढूंढती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे पुरुष में इतना सुख नहीं जितना गैरों में है। और इसके विपरीत पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, चाहे उनकी पत्नी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही सुशील क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि पराई स्त्रियों पर टिकी रहती है। दूसरे की स्त्री चाहे अपनी स्त्री से कम खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी अच्छी वही लगती है। लेकिन पर स्त्री ही उनके लिए सुख और आनंद की अनुभूति कराती है और अपनी स्त्री का सौंदर्य उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आचार्य चाणक्य जी ने भी अपनी चाणक्य नीति में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुषों में चिंतन करती है, उनसे काम वासना की इच्छा रखती है, तो ऐसी स्त्रियों को रौरव नाम का नरक भोगना पड़ता है और वे अपने कुल का नाश कराने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने कुल की मान मर्यादा को धूल में मिला देती हैं। वे अपने कुल की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां ना ही तो अपने बच्चों को कोई संस्कार दे पाती हैं और ना ही ठीक तरीका से उनका लालन पालन करती हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो खुद को सजाने संवरने में रहता है और भूखी बिल्ली की तरह जागर बागर घूमती रहती हैं। इस तरह से ये अपना अधिकतर समय पर पुरुषों को तलाशने में ही निकालती रहती हैं। इसलिए मित्रों, ऐसी स्त्रियां किसी भी घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां बहू बनकर के अगर किसी के घर में पहुंच जाती हैं तो उनकी मान मर्यादा को कलंकित कर देती हैं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। तो आइए समझते हैं स्त्रियों की ये तीन पहचान कि वो धोखेबाज कैसे होती हैं। मित्रों, बहुत प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ की आयु लगभग 40 के ऊपर हो चुकी थी और इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मित्रों, उस सेठ की पत्नी को एक दिन कोई भयंकर बीमारी हो जाती है और उस भयंकर बीमारी की वजह से उसकी पत्नी स्वर्ग के लिए सिधार जाती है। दोस्तों, सेठ के कोई संतान तो थी नहीं, वे दोनों ही मियां बीबी केवल घर में रहते थे। अब उसकी पत्नी जब उसको छोड़कर के गुजर गई तो अब उसे अकेलापन महसूस होने लगा। वो घर उसके लिए खाने को दौड़ने लगा। तो एक दिन उस सेठ ने सोचा कि इस घर में अकेला मैं नहीं जी पाऊंगा। और मित्रों, कहते भी हैं कि धन दौलत कितना ही क्यों ना हो, जब तक संतान नहीं तब तक ये सब धूल के समान है। जब तक उसे कोई भोगने वाला ना हो तब तक वो व्यर्थ है, क्योंकि ये धन दौलत किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती है। मित्रों, अब उस सेठ को अपनी पत्नी की कमी खलने लगी। अब उस सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं एक विवाह कर लूं और सुंदर सी पत्नी अपने लिए लेकर आऊं, हो सकता है उससे कोई संतान उत्पन्न हो जाए, इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस सेठ के पास में धन दौलत की तो कमी थी नहीं
और उसके पास अपार धन दौलत को देख करके एक लड़की उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उसकी धन दौलत देख करके और उसकी ऊपरी चमक धमक देख करके उस लड़की ने शादी करने के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो सेठ की बूढ़ी काया को देख करके वह उससे घृणा करने लगी। कुछ दिनों तक तो सही सलामत रही, सेठ से थोड़ी बहुत प्रेम भरी बातें भी कर लिया करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वह सेठ से दूर होने लगी। मित्रों कहते हैं कि अगर स्त्री नौजवान हो और पति बूढ़ा हो तो ऐसे में वह अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वह अपना पूरा प्रेम दूसरे पुरुषों पर ही लुटाती है और अपने पति की तो एक बात भी नहीं सुनती है। और ऐसी स्त्रियां जिनके पति बूढ़े होते हैं तो वो अक्सर अपने पतियों पर ध्यान नहीं देती हैं, ऐसा करते करते दूसरे पुरुषों पर ध्यान देने लगती हैं और वह धीरे धीरे चरित्रहीन हो जाती हैं। वे अधिकतर अपना ज़्यादातर समय नौजवान लोगों के साथ में बिताना चाहती हैं। इस तरह से दोस्तों उस सेठ को जब उसकी पत्नी उसे भाव नहीं देती है तब सेठ को धीरे धीरे एकांत में रहने की आदत पड़ जाती है। अब तो वह सेठ अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाता था। अब दोस्तों धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरने लगा। जब सेठ किसी काम से अपने घर से बाहर चला जाता था तब उसकी पत्नी पराए मर्दों को अपने घर पर बुलाती थी, नौजवानों को अपने घर पर बुलाकर उनसे अपनी शारीरिक संतुष्टि कराती थी। मगर दोस्तों उस सेठ को इसके बारे में पता चल जाता है, फिर भी वो अपनी पत्नी को नहीं बताता है। सेठ ने अपने मन में सोचा कि शायद मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे घृणा करती है। यदि मैं इस पर अधिक दबाव डालूंगा तो ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी, और यदि ये मुझे छोड़ करके चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा। यही सब सोच करके वो सेठ चुप रह जाता था और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता था और चुपचाप रह करके उसकी हरकतों को बर्दाश्त करता रहता था। मित्रों एक दिन की बात, सेठ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, रात्रि का वक्त था, उसकी पत्नी भी एक साइड के लिए लेटी हुई थी। तो उसी समय सेठ के घर में एक चोर घुस आया और उस चोर को वो सेठानी देख लेती है। चोर के हाथों में बड़ा सा चाकू था। पत्नी ने सोचा कि अगर मैं चिल्लाई तो ये हो सकता है मुझे मार दे। यही सब सोच करके डर की वजह से वो सेठानी उस सेठ के सीने से आकर चिपक गई और उसने अपने पति को कस करके पकड़ लिया। उस समय उस सेठ को बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि सेठ को बड़े दिनों के बाद उसकी पत्नी ने उसको पकड़ करके उसका आलिंगन किया। अब ऐसे में सेठ को बड़े ही सुख की अनुभूति हो रही थी। तब सेठ ने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे तो बहुत घृणा करती है, लेकिन आज हुआ क्या है, यह मेरे सीने से आकर चिपक गई, आखिर कारण क्या है। तब सेठ ने अपने बिस्तर से उठकर अपने मकान में इधर उधर देखा तो हाथ में चाकू लिए हुए वह चोर एक कोन में बैठा हुआ सेठ को दिख गया। तो सेठ उस चोर के पास गया और चोर से कहने लगा कि हे चोर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर में आने के लिए। मैं अपनी पत्नी का प्रेम पाने के लिए बहुत दिनों से तरस रहा था। मेरी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मुझे अकेलापन इतना सताने लगा कि मैंने इस स्त्री से शादी की थी। अब समय के अनुसार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी जवान है, इसलिए यह मुझसे प्रेम नहीं करती है, ये मुझसे घृणा करती है, परंतु मैंने इसकी घृणा को ही प्रेम समझकर इसे स्वीकार कर लिया है। इसलिए आपके आने से मुझे इसका स्पर्श हुआ है और उस स्पर्श से मुझे बड़े ही सुख की अनुभूति हुई है, इसलिए हमारे घर में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। अगर तुम मेरा एक काम रोज कर दिया करो तो मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। सेठ की बात सुनकर के चोर कहने लगा कि हे सेठ जी, आप मुझसे रोज क्या करवाना चाहते हैं। सेठ कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में इसी तरह से रोज आया करो, इसके लिए रोज आने का वेतन तुम्हें अलग से दूंगा। तुम जो कीमत अपनी रखोगे मैं वह कीमत आपको देने के लिए तैयार हूँ, और इसके अलावा तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप बेशक मेरे घर पर आ जाया करो और उस चीज को आप ले जाए जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण आज मेरी पत्नी का कई वर्षों के बाद में मेरा और मेरी पत्नी का मिलन हुआ है।
अगर आप ना आते तो फिर पता नहीं ये बीवी मुझसे मिल पाती कभी जीवन में या नहीं मिल पाती। और आपके आने से मेरा मिलन हो गया है और मुझे मेरी पत्नी का क्षणिक सुख आनंद प्राप्त हुआ है। इस तरह से अगर तुम रोज मेरे घर पर आओगे तो यह तुमसे डर करके मुझसे प्रेम करने लगेगी और ये रोज मेरे साथ मेरे गले से लगेगी और हो सकता है ये धीरे धीरे मुझसे प्रेम करने लगे। अगर ये मुझसे प्रेम करने लगेगी तो मैं इस अपनी पत्नी को पा करके अपने वीरान इस जीवन को फिर से आजाद कर लूंगा। तब वह चोर उस सेठ की मनोस्थिति को समझ गया और वो चोर उस सेठ की परेशानियां समझ सकता था। इसलिए वह चोर कहने लगा कि हे सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके घर में इसी तरह रोज आया करूंगा और आकर आपकी पत्नी को भी डर पाऊंगा और मैं आपके घर से कोई वस्तु भी नहीं चुराऊंगा क्योंकि मैं आपकी मजबूरी को भली भांत समझ रहा हूँ। अगर मेरा ऐसा करने से आपका जीवन आबाद होता है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वह चोर उस सेठ के घर पर प्रतिदिन आने लगा। उस सेठ की पत्नी उस चोर को देख करके बहुत डर जाती थी और उससे भयभीत हो जाती थी। ऐसा करके वह अपने सेठ से चिपक जाती थी। अगर रात्रि के समय वह सेठानी अकेली अपने कमरे में सोने की कोशिश करती तो वह चोर उसको डरपा देता था और उस चोर की वजह से वह डरी सी सहनी सी रहती थी और वह अपने पति के सीने से चिपक करके सो जाती थी। इस तरह से उस सेठ को अब धीरे धीरे अपनी पत्नी का प्रेम वापस मिलने लगा। अब उस सेठ ने उस चोर का तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि अब मेरी वीरान जिंदगी आपकी वजह से आबाद होने लगी है। अर्थात उस सेठ को वो प्यार मिलने लगा जिसके लिए वो बरसों से तड़प रहा था। प्रिय मित्रों, इस तरह से उस सेठ को अपनी पत्नी का प्रेम वापस मिल गया और वो सेठ और सेठानी अब बड़े प्रेम के साथ में रहने लगे थे। प्रिय मित्रों, कहते हैं जिन स्त्रियों के पति नौजवान होते हैं फिर भी वो अगर अपने दूसरे पुरुषों में आसक्त रहती हैं तो ये बात ऐसी स्त्रियों के लिए बहुत ही लज्जा के समान होती है। उन्हें सदैव अपने पतियों का सम्मान करना चाहिए और इसके विपरीत जो पति अपनी पत्नियों को छोड़कर गैर स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं या उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये कार्य भी उनके लिए निंदनीय है। उन्हें भी अपनी पत्नियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और इन दोनों के बिना एक दूसरे की जिंदगी अधूरी मानी जाती है। पति पत्नी दोनों मिलकर ही गृहस्थ जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, कहते हैं इन दोनों में से अगर एक भी अच्छा ना हो या एक भी गलत रास्ते पर चलने लग जाता है तो इनकी गृहस्थ जीवन में और इनकी गृहस्थी में समझो मानो की आग सी लग जाती है, अर्थात ये बर्बाद हो जाते हैं। मित्रों, पति पत्नी का जीवन ठीक एक गाड़ी की तरह होता है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, यदि एक पहिया खराब हो जाए तो फिर गाड़ी लंबा सफर नहीं तय कर सकती, ना ही वो ठीक से चल पाएगी। जब चलेगी तो उसमें झटके लगेंगे। और ठीक इसी प्रकार से पति पत्नी को भी अपनी गृहस्थ जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए इन दोनों का होना बड़ा ही आवश्यक है। इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ में, सहनशीलता के साथ में और विश्वास के साथ में रहना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बसी बसाई जिंदगी भी उजड़ जाती है और उनका भरा पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वे सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री के घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। ऐसे लोगों के घरों में हमेशा कलह कलेश उत्पन्न होते रहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं कहीं भी सुख को नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उसकी पत्नी तो दूसरे पुरुषों में सुख ढूंढेगी और उसका पति दूसरी स्त्रियों में सुख ढूंढने की कोशिश करेगा। इस तरह से अगर दोनों के विचार एक नहीं है तो फिर उनका जीवन नरक के समान बन जाता है। दोस्तों, वैसे तो पति पत्नी का अर्थ होता है एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझना। तो मित्रों, ऐसे लोगों के लिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं
कि जो स्त्री पर पुरुषों में लिप्त रहती है, दूसरे मर्दों से संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियों में ये तीन लक्षण जरूर पाए जाते हैं। नंबर एक, जो स्त्री दूसरे पुरुषों में रुचि दिखाती है और वो हर समय अन्य पुरुषों की बातें करती रहती है और अपने पति की तुलना पराये पुरुषों से करती है, तो ऐसी स्त्रियां बदचलन होती हैं और ऐसी स्त्रियों पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तुलना तभी करेंगी जब वह आपसे अधिक दूसरे पुरुषों को पसंद करती हैं और अपने पति से बेहतर दूसरे पुरुषों को समझती हैं, तभी वो अपने पति की तुलना दूसरे मर्दों से करती हैं। और दूसरा लक्षण इनमें ये होता है कि अगर स्त्रियां अपने पति की बात बात पर उनका अपमान करने लगें और वे अपने पति को भरी सभा में बोलने नहीं देती हैं, तो ऐसी स्त्रियों का चरित्र सराहनीय नहीं होता है। जब कोई पत्नी आपसे चिढ़ने लगे तो आपको भली भांति समझ जाना चाहिए कि वह दूसरे पुरुषों में आसक्त है। और स्त्रियों का तीसरा लक्षण ये होता है, जब कोई स्त्री दूसरे पुरुषों का बखान करने लगे, उनके गुणों का बखान करने लगे और दूसरे पुरुषों की प्रशंसा करे, अपने पति की एक भी भलाई ना दिखे और उसमें कमियां ही कमियां नजर आती हो और बार बार दूसरे पुरुषों से मिलने के बहाने ढूंढे, तो ऐसी स्त्री पर भी शक किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से मिलने की चाह तभी होती है जब उससे दिली लगाव होता है। और एक शादीशुदा स्त्री के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए वह अपने पति को परमेश्वर माने, उसका सम्मान करे और उसके साथ मिलकर के अपने गृहस्थ की नैया को आगे बढ़ाना चाहिए। यही सबसे अच्छा और सराहनीय काम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।